नमस्कार प्रिय साथियों, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि श्रावणी का पावन त्यौहार जो साधकों के लिए, मंत्र जाप करने वाले लोगों के लिए सर्वोत्तम पर्व माना जाता है। इस दिन सभी ब्राह्मण, सभी साधक, सभी संत अपना यज्ञोपवीत परिवर्तित करते हैं और अपने अपने मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कोई नदी के किनारे जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई गंगा तट पर जाता है, कोई सरोवर के किनारे जाकर के मंत्र जाप करता है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको ये साल 2021 में, इस साल श्रावणी 22 अगस्त की पड़ रही है, तो 22 अगस्त को करने वाली एक विशेष साधना, एक विशेष मंत्र, एक ऐसा मंत्र यदि आप उसको 3 से 4 घंटे भी जाप करोगे श्रावणी के दिन 22 अगस्त को, तो सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा और निश्चित रूप से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, सुख शांति का माहौल बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के आज मैं आपको बताने वाला हूँ 22 अगस्त श्रावणी के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन की जाने वाली एक विशेष साधना के विषय में। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय में आगे बढ़ते हैं। आप यह साधना को किसी मंदिर में जाकर, किसी सरोवर के तट पर, किसी नदी के तट पर कर सकते हैं या आसपास कोई व्यवस्था ना हो तो घर में एकांत कमरे में भी कर सकते हैं। लाल रंग का ऊनी आसन बिछा करके रुद्राक्ष की माला से आपको 3 घंटे कम से कम, इससे कम तो नहीं होगा, इससे कम जपोगे तो काम नहीं चलेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, आपका जाना पहचाना सभी साधकों का मंत्र है, लेकिन अपडेट कर देने से, बता देने से कभी कभी पुरानी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का आप दुर्गा जी की पूजा करके 3 घंटे जाप करिएगा तो इस शुभ और पवित्र मुहूर्त में किया गया है जाप साल भर आपको अपडेट रखेगा, पावरफुल रखेगा, पैसे वैसे कोई कमी नहीं होगी, खूबसूरती कोई कमी नहीं होगी, सब बढ़िया रहेगा। साथियों, श्रावणी का त्यौहार बिल्कुल एकदम से सामने है, 22 अगस्त का है, साधना को करिएगा जरूर। 1 लाख काम छोड़कर के आदमी को भोजन करना चाहिए, 10 लाख काम छोड़कर आदमी को आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ करके व्यक्ति को साधना करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ मेरे फॉलोअर्स, साधक, मित्र, जहाँ तक भी जानकारी पहुँच रही है, आप साधना ज़रूर करोगे। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में, भविष्य में भी, वो मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।